लेफ्ट से पोस्ट के लिए हमारे पास एक वाटर पाइप है जिसके मिसिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ से इस वाटर पाइप का जो हिस्सा है या क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस। अब हम लोग सपोज करते हैं कि ये हमारा इनलेट है जहाँ से हमारा वाटर जो है वो इन हो रहा है, और ये वो आउटलेट है जहाँ से हमारे वाटर ने बाहर एग्जिट करना है। यहाँ से इन होगा और यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। लेट्स सपोज कि हमारा जो वाटर है जब वो यहाँ पर फ्लो कर रहा था तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ए है जिसे हम लोग ए वन कह देते हैं। और इसके दरमियान जो भी वाटर फ्लो कर रहा है हमारा जो फ्लड है उसका कुछ ना कुछ मैस तो होगा, उस मैस को हम लोग एम कह देते हैं, एम वन कह देते हैं, क्योंकि हम लोग इस इनलेट की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने वन सपोज कर लिया कि ये एम वन है। हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मैस होगा तो हम मैस कंपेयर पूरे पूरे लिक्विड का मैस ले लेते हैं कि जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है, और किसी ना किसी टाइम में तो वो फ्लो कर रहा होगा। हम कहते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है डिस्टेंस ट्रैवल किया है जो कि एस है, तो ये किसी ना किसी टाइम में ही किया होगा तो मुझे यहाँ पर टाइम भी ले लेना चाहिए। अगर अब मैं मैथ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँ तो मुझे मालूम है कि मेरा फ्लूइड जो है जहाँ पर मैंने वाटर लिया तो वाटर की जो जो डेंसिटी है वो तो हर जगह सेम ही रहती है। अगर हम लोग वाटर की डेंसिटी को करें तो वो तो हमें मालूम है कि वो 1000 किलोमीटर केजी पर मीटर क्यूब है, लेकिन अगर मैं इसका रिलेशन देखूं तो डेंसिटी का जो रिलेशन है वो मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आता है। तो यानी कि मैस की जगह मुझे अगर मैं मैस की जगह वैल्यू पुट करना चाहूँ तो मैं ईजिली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लगा सकती हूँ। और वॉल्यूम के बारे में अगर मैं इस जगह पर वाटर का वॉल्यूम देखूँ इस जगह पर, तो वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस जगह पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एस है, तो एस इंटू एरिया ए वन हमारा जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा इस हिस्से के लिए, इनलेट के लिए हमारे पास। तो अगर हम लोग वॉल्यूम लगाना चाहें तो वॉल्यूम हमें पता चल गया कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ए इंटू एस है, ए हमारा एरिया और एस हमारा डिस्प्लेसमेंट, एस ए वन और एस वन कह देना चाहिए मुझे। तो हमारा जो एम वन है वो बराबर आ जाएगा हमारी डेंसिटी के, डेंसिटी ए वन एरिया ए वन इंटू डिस्टेंस ए वन जो डिस्टेंस ट्रैवल किया। और हमें मालूम है कि किसी भी पार्टिकल का या किसी भी चीज़ का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है वो डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है उस पार्टिकल की वेलोसिटी जिसके साथ उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस टाइम इंटरवल के इक्वल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है जिसमें वो डिस्टेंस किया गया। यानी कि ये वाला रिलेशन जो है डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, यानी कि उस वेलोसिटी जो जितने टाइम में भी वो की गई उस पार्टिकल के लिए। तो अगर मैं एस की जगह यहाँ पर वी इंटू टी लिख दूँ तो मेरे पास एम वन के लिए जो रिलेशन आएगा वो ए वन एस की जगह मेरे पास वी वन इंटू टी आ जाएगा, क्योंकि टाइम तो सेम ही रहेगा चाहे हम आउटलेट की बात करें या इनलेट की बात करें। तो यहाँ पर मैंने टाइम को सिंपली लिख दिया, इसके नीचे वन या टू नहीं मैंशन किया। अब अगर हम आउटलेट की तरफ देखें तो हमें मालूम है कि हमारा वाटर यहाँ से इनकर है और यहाँ से गुजरने के बाद ही वो आउटलेट से गुजर के बाहर आ सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे जो पार्टिकल्स थे इनलेट में वो बहुत कंजेस्टेड थे, उनको मूवमेंट के लिए बहुत ही कम जगह मिली थी, जिसकी वजह से क्योंकि हमारा एरिया कम था इसलिए जो हमारे वाटर है उसे कम जगह जो है वो घेरी थी। लेकिन जैसे ही वो इस खुले वाले एरिया में आता है हमारा वाटर तो उसके मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा जगह मिल जाती है सेपरेट आउट होने के लिए, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होने के लिए उनके पास काफ़ी जगह होती है, वो स्पेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पर आके जो हमारा एरिया है वो ए टू हो जाता है, क्योंकि एरिया बज़ाहिर भी बड़ा नज़र आ रहा है और यहाँ पर कुछ ना कुछ उनकी वेलोसिटी भी होगी क्योंकि यहाँ तक भी उन्होंने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया जिसे हम एस कह देते हैं, और वो भी किसी ना किसी टाइम में किया होगा। तो अगर मैं एम टू यहाँ पर भी चूँकि वाटर का ही मैस लिया जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर भी एम टू का रिलेशन बनाऊँ तो ये भी हमारे पास रो वन आ जाएगा और ए वन की जगह ए वन ही आ जाएगा, और एस की जगह चूँकि एस हम लोगों ने ए और एस हमने वॉल्यूम के हिसाब से पुट किया था, तो अगर मैं एस की जगह उसकी वैल्यू लगा दूँ तो मुझे अब यहाँ पर टू लिखना चाहिए, ए टू वी टू और इन टू टी टू, टी टू नहीं बल्कि सिंपल ही टी, क्योंकि टी को हम लोगों ने कहा है कि टी हर जगह ही बराबर होगा। जितना टाइम यहाँ से एक बात तो ये साफ है ना कि जितना टाइम यहाँ से लिक्विड निकलने के इन होने के लिए लेगा उतना ही टाइम यहाँ से आउट होने के लिए भी लेगा, यानी कि टाइम हमारा बराबर है। और दूसरी चीज़ ये कि लिक्विड जो है वो हमारा वाटर है और वाटर का मैस यहाँ पर भी वैसा ही होगा जैसा कि यहाँ पर है। तो अगर मैं इन दोनों को कहूँ कि मैस हमारे दोनों सेम है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इन दोनों इक्वेशन की, इक्वेशन वन की और इक्वेशन टू की बिल्कुल सेम है, तो मैं मैथ्स के रूल के मुताबिक इनकी अगर लेफ्ट हैंड साइड्स मेरी इक्वल हैं तो मैं राइट हैंड साइड को भी इक्वल दे सकती हूँ। तो यहाँ पर रो वन ए वन वी वन इंटू टी
बराबर आ जाएगा रो टू इंटू ए टू इंटू वी टू और इंटू टी। यहाँ पर भी इस तरह से आना चाहिए था, इस तरह से आ जाएगा। और रो वन और रो टू की बात की जाए तो हमें मालूम है कि वाटर की डेंसिटी रो वन हो या रो टू ये बराबर होती है 1000 kg/m³। तो मैं यहाँ पर इसे खाली रो भी लिख सकती हूँ। ए वन वी वन इंटू टी बराबर हो जाएगा रो ए टू वी टू इंटू टी। और टी भी हमारा बिल्कुल सेम है, दोनों जगह पर टाइम एक जितना ही लगेगा, तो मैं टी को कैंसिल आउट कर सकती हूँ। और रो भी हमारी बिल्कुल सेम है वाटर की डेंसिटी। तो अब जो हमारा रिलेशन बचता है वो ये बचता है कि हमारा ए वन एरिया वन इंटू स्पीड वन, जो फ्लोइड की इस एरिया में स्पीड थी वो बराबर आ जाएगी एरिया टू इस आउटलेट के एरिया और इसके आउटलेट में जो स्पीड रही है हमारे फ्लोइड की उससे प्रोडक्ट देखते हैं। तो अब अगर मैं इसको कहूँ कि ए वन और वी वन जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इक्वल इनको कलेक्ट करूँ, तो मुझे इस तरह से बताना चाहिए कि जो तो मेरा ए और वी है अगर मैं इसको कांस्टेंट इक्वल कर लूँ तो इस तरह से ये एक रिलेशन बन जाएगा। और अगर मैं एरिया का रिलेशन निकालना चाहूँ स्पीड के साथ तो कांस्टेंट की इस तरफ ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। और हमें मालूम है कि कांस्टेंट के साथ जब कोई भी चीज़ इस तरह से डिवाइड हो, इस चीज़ को कांस्टेंट और इज इक्वल टू को हम लोग फिजिक्स में डायरेक्ट रिलेशन से बदल देते हैं। तो अगर मैं एरिया इसी तरह रखूँ, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन का सिंबल लगा दूँ तो 1/v वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमें ये बताता है कि एरिया जो है उसका डायरेक्ट इनवर्सली रिलेशन होता है स्पीड के साथ, यानी कि जहाँ पर किसी भी फ्लूइड की स्पीड उस जगह पर ज़्यादा होती है जहाँ पर एरिया जो है कम होता है। इस जगह पर जो है फ्लूइड की स्पीड जो है वो एरिया कम होने की वजह से ज़्यादा थी, लेकिन जो ही जब आउटलेट की तरफ आता है तो एरिया जो है बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड है जो बह रहा है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें सेपरेट हो, यहाँ पर इनके दरमियान स्पेसिस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और इनकी जो स्पीड है यहाँ से निकलने की जो स्पीड है बाहर वो कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम इसी एग्जाम्पल में वाटर कूलर की एग्जाम्पल लें तो देखा जाए कि इसका जो एरिया था जिसके अंदर वाटर था, जो पहला एरिया है ऊपर वाला, वो काफ़ी बड़ा है। और जब जैसे ही वाटर इस आउटलेट से बाहर निकलता है, क्योंकि एरिया अगर जितना इसका छोटा होगा उतनी ही वाटर को निकलने की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आप जो है वो अपना एरिया बड़ा करते जाएंगे किसी भी चीज़ से वाटर निकलने के लिए, तो उस जगह से जब वाटर निकलेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। यही वजह है कि हर चीज़ के लिए डिफरेंट एरिया रखा जाता है, जिस जगह पर हम लोगों को फ्लो की स्पीड ज़्यादा या कम करनी हो। इस तरह से जैसे कि ये एक पाइप है जिससे हम लोग अपने गार्डन वगैरह में अक्सर पानी देते हैं प्लांट्स वगैरह को, तो हम लोग अपने पाइप के आगे अक्सर फिंगर रखे से प्रेस करते हैं ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए। वो इसलिए करते हैं ताकि इस जगह पे अगर इस जगह की बात करें, इसे हम प्रेस कर देंगे दोनों तरफ से तो एरिया बहुत ही कम हो जाएगा, और एरिया कम होने की वजह से जो स्पीड है, जिसकी स्पीड है आने की वाटर की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और आपका जो वाटर है वो दूर तक सेपरेट हो सकेगा, दूर तक की चीज़ों तक भी पानी जो है वो पहुँच पाएगा। तो ये रिलेशनशिप से हम लोग जो है मुख्य चीज़ों की एरिया को कम करके उससे निकलने वाले फ्लोइड की जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। और एरिया और स्पीड में हमेशा इनवर्सली रिलेशन होता है, और इस चीज़ को हम लोग फिजिक्स में कहते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, यानी कि ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इक्वल है। इस इक्वेशन को हम लोग फिजिक्स में कहते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है।